भाजपा महिला मोर्चा की प्रथम राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मंच पर आसीन हम सभी के नेता, हमारे मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद हमें पिता की तरह मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, मंचा सिंह श्रीमती आनंदी बेन जी जो गुजरात सरकार की मंत्री हैं और संगठन में काम किस रीति नीति के साथ में होता है उस रीति नीति की ज्ञाता है, हम सब बहनों की मार्गदर्शक भी हैं। उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन कमलावती सिंह जी, श्री बासुबेन जो गुजरात से राज्य मंत्री हैं, श्रीमती कांता नालावडे जी, श्रीमती आशा शर्मा जी जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री हैं और इसी क्षेत्र से हैं, श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भाई अशोक मुंगा जी, मंचा सिंह, समस्त मेरी सहयोगी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनें, महामंत्री दर्शना जी, विजया जी, श्रीमती राजमाता विजया राजे सिंधिया के सभागार में उपस्थित मेरे समस्त बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश से की है। उत्तर प्रदेश जिस राज्य के लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि अगर यहां पर जीत होगी तो सरकार जरूर बनेगी। बहनों, मैं ये बात को कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति भी बहुत समृद्ध संस्कृति है। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूं कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें लिखी होती हैं, जो लिखी होती हैं वो अपने आप शायद घटती हैं। हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संसदीय क्षेत्र से इसकी शुरुआत की है, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और मैं सबसे ज़्यादा इस बात के लिए इस क्षेत्र के अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बहुत साधुवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ पर आए तो उत्तर प्रदेश में बहन और बिटिया का स्वागत घर में बहुत होता है। मैं आपको ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ, ये बात हम लोगों को छू गई और जितना स्वागत हमारे भाइयों ने हम लोगों का यहाँ पर किया है, हम सब बहनें बहुत गदगद हैं, बार बार उनके लिए हम लोग शुभकामना व्यक्त करते हैं और शायद उसके लिए शब्द हमारे पास नहीं है। आपने हमारा इतना सम्मान, इतना स्वागत, इतना स्नेह दिया है और इतने स्नेह से हर चीज़ों को आप लोगों ने किया है, मुझे लगता है शायद हमने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति का चयन अध्यक्ष जी के क्षेत्र से कर आधी लड़ाई जीत ली है। जब शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम अच्छा होगा। बहनों, ये पहली राष्ट्रीय कार्य समिति है और आज अध्यक्ष जी के हम लोगों ने क्षेत्र से इसकी शुरुआत की, लेकिन अब हम सबको मैदान में भी जाना है। आज अध्यक्ष जी हमारे उद्घाटन सत्र में उपस्थित हैं, हम सबका उन्होंने बहुत व्यस्तता के कार्यक्रम में भी आकर उत्साह बढ़ाया है। मैं उन्हें बहुत साधुवाद देती हूँ क्योंकि हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और हम लोगों को विशेष तौर पर यह आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि महिला मोर्चा इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में है और आप, हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है वो लक्ष्य इस बार हम जरूर हासिल करेंगे। हम इस देश की 50% आबादी हैं और मुझे वो समय भी याद है कि आपके ही अध्यक्षीय कार्यकाल में हम बहनों का सम्मान बढ़ाते हुए आपने भारत के इतिहास में पहली बार किसी संगठन में, किसी राजनीतिक दल के संगठन में 33% का आरक्षण यदि किसी ने दिया तो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में आपने दिया है। हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाया, हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे बाकी चीज़ों से हो। हम लोगों ने कुछ लक्ष्य तय किए माननीय अध्यक्ष जी,
हम लोगों ने हमारी बहनें एक पत्रिका का विमोचन जो अभी दो दिन पहले ही हुआ है, ये पत्रिका हमारी मासिक पत्रिका है। हम सब बहनों को ऐसा लगता था कि जितना स्थान हम लोगों को कमल संदेश में मिलना चाहिए वो स्थान वो चाहते हैं हमें देना, लेकिन कई बार चूंकि पूरे देश के तमाम चीज़ों को उसमें शामिल करना होता है तो उस पत्रिका में ये संभव नहीं हो पाता है। बहनें जितना कार्य करती हैं वो उतना प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों ने इस बार शुरुआत की है हमारी बहनें, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को स्थाई रखा है। स्थाई में हमारा एक फोटो ऑफ द मंथ है, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आपकी पाती नाम से एक स्थाई स्तंभ रखा है जो बहनें इसमें लिखना चाहती हैं, और ये केवल बहनों के लिए नहीं है, हमारे भाई भी हैं, अगर वो भी उसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो उनका सबका इसमें स्वागत है। ये पत्रिका मोर्चा परिक्रमा नाम से हम लोगों ने एक स्थाई स्तंभ रखा है जो बहनें पूरे देश भर में जिन कार्यों को करती हैं उन कार्यों को हम किस प्रकार से और किस जद्दोजहद से कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, उस मोर्चा परिक्रमा के स्थाई स्तंभ में सब बहनों के तमाम क्रियाकलापों को हम लोगों ने शामिल किया है। प्रति आपके सामने है, ये हमारी पहली कोशिश है, निश्चित तौर पर कहीं त्रुटि हुई होगी, जो त्रुटि हुई होगी मैं उसके लिए पत्रिका के लिए अभी से क्षमा मांग लेती हूँ, लेकिन हम लोगों ने ये प्रति हमारी राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के लिए समर्पित किया है जिन्होंने शुरुआत की, और हम लोगों ने उन्हें बहुत दूर से कभी देखा कभी पढ़ा। मैंने अपने कार्यकाल के पहले कार्यकाल में जब उन्हें जितना मैंने पढ़ा देखा और जब मैंने अपने पदभार की शुरुआत की थी तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी की प्रतिमा अनावरण के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज मंच पे आपको एक तस्वीर और दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है भगनी निवेदिता की। हम सब अपने आदर्श के रूप में राजमाता विजया राजे सिंधिया जी को देखते हैं, और इसके साथ ही साथ हमने भगनी निवेदिता को भी आदर्श के तौर पर स्वीकार किया है। हम पूरी ईमानदार कोशिश करके इस बार महिला मोर्चा जिस ताकत के साथ मैदान में जाना है, जिस मनोबल के साथ जाना है, और मनोबल से मुझे लगता है बहुत सारे मैदान जीत लिए जाते हैं, आधी लड़ाई वही जीती जाती है। 2014 हमारा मिशन है, मिशन 2013, मिशन 2014, मिशन 2013 जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुछ राज्यों में बहनों हम सरकार में हैं, जहां पर सरकार में हैं इस बार हम वहां पर फिर से सरकार में आएंगे, और इसलिए हम लोगों ने अपनी चुनावी रणनीति बनाई है। जिन राज्यों में हम सरकार में नहीं हैं इस बार कांग्रेस से वो हम सरकार ले लेंगे, और इस बार हमारी सरकार वहां बनेगी, इस ताकत के साथ हम मैदान में आएंगे। लेकिन इससे बड़ा लक्ष्य है मिशन 2014। हम सब बहनों के आंखों का ये स्वप्न है कि मिशन 2014 में ये हजारों हजार आंखों का जो भारत के लोगों का भी स्वप्न है, मुझे लगता है कि भारत के लाल किले की प्राचीर से इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से तिरंगा फहराए, और हम सब बहनें ताकत के साथ उस मिशन के लिए लगेंगी। बहनों हम लोगों ने चूंकि ये दो दिवसीय हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति है, हम अपनी इस राष्ट्रीय कार्य समिति में बहुत से कार्यक्रमों को निर्धारित करेंगे और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम मैदान में अपने जाकर एक ईमानदार कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है और हर चीज संभव है, इसलिए जो संभव है वो होता है, जो होता है वो आप करेंगे, हम करेंगे, और हम सब मिलकर करेंगे तो लक्ष्य हमें जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहनों राजनीति की राह बहुत रपटीली है, मैं हमेशा कहती हूँ, और इस रपटीली राह पे जब बहन चलने की शुरुआत करती है तो बहुत बार बहुत लहूलुहान होती है, लेकिन जब संगठन के साथ मिलकर चलती है तो आगे चली जाती है, आगे बढ़ जाती है। किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ हम लोगों में एक ये एक बहुत बारीक अंतर है, हम इस अंतर को पहचान कर अपने काम की शुरुआत करेंगे। आज की इस पहली राष्ट्रीय कार्य समिति में मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत, चूंकि वो मैं उन्हें साधुवाद दूँ ये मेरी धृष्टता होगी, मैं उन्हें साधुवाद दूँ ये बेहतर नहीं लगता है, इसलिए मैं उन्हें नमन करती हूँ। और मैं उन्हें इस बात के लिए भी, क्योंकि हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो मुझे लग रहा था गाजियाबाद के नाम से जैसा हमारा आना पहली बार हुआ है, हम लोग सोच रहे थे कि व्यवस्था कैसी होगी, लेकिन उन्होंने जितना आशीर्वाद दिया है और उनकी पूरी टीम ने, मैं बार बार अपने अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और अपने सब भाइयों को भी प्रणाम करते हुए
अपने भाइयों का साथ बात करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।